अनअकैडमी लाया है कैटलिस्ट केमिकल साइंसेस बैच फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2022 जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी 2022 से। इस बैच को लीड कर रही है सोनू डाकला, प्रियंका जैन, निशा रानी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी लाया है इग्नाइट लाइफ साइंसेज बैच फॉर सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2022 स्टार्ट हो रहा है ये आपका 5 जनवरी से ही। इस बैच को लीड कर रही है नेहा तनेजा, ज्योति कुमारी और खुशबू अग्रवाल। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है कंप्लीट बैच 2022 कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर फर्स्ट, ये भी स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी 2022 से। सब्जेक्ट कौन सा है? पेपर फर्स्ट। इस बैच को लीड कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, अदिति विनोद आर्या, नवदीप कौर और नवीन साख ऑन अनअकैडमी प्लस। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी लाया है इम्पैक्ट बैच 2022 कंप्लीट कोर्स ऑन कॉमर्स, स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी से ही। सब्जेक्ट कॉमर्स। इस बैच को लीड कर रहे हैं नवदीप कौर और नवीन शाख ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी लाया है पाइनियर लाइफ साइंस बैच सीएसआईआर यूजीसी नेट, स्टार्ट हो रहा है आपका 5 जनवरी 2022 से ही। इस बैच को लीड कर रहे हैं टॉप एजुकेटर्स वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद सलमान, चरणजीत कौर और दीपशिका गोस्वामी। सारे के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी आपको इंटरेस्टेड है कोर्स लेने में उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं लास्ट मेंबर की बात करूंगा आपका जो ड्यूटेरोमाइसीट्स का होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट के साथ आपका पूरा फंगस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम बात करते हैं एगरिकस का। एगरिकस का एक और नाम है सेलियोटा, जिससे आप उसको बुला सकते हैं। और अगर कॉमन फीचर्स हम जाने एगरिकस का, तो द फर्स्ट वन इज़ कि एगरिकस जो है सैप्रोफिटिक स्पीसीज होता है। ये क्या होता है? पैरासाइट नहीं होता है। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे ग्रो करता है और इन्हें हम कॉमनली जो है मशरूम्स बोलते हैं। अगर स्पीसीज की बात करें तो पूरे इंडिया में करीब 17 स्पीसीज एगरिकस के नोन हैं और 2 स्पीसीज जो मोस्ट कॉमन है एडिबल हैं वो है एगरिकस कम्पेस्टिस और एगरिकस बायोस्पोरस। ओके, और 2 इसके हाईली पॉइजनस स्पीसीज भी हैं, एगरिकस सिल्वेटिकस और एगरिकस जैंथोडर्मस। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सारे मशरूम जो है खाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। और ये 2 जो पॉइजनस हैं इनके आप नाम याद रखिएगा। अगर हम वेजिटेटिव माइसीडियम की बात करें तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव माइसीडियम होता है वो अंडरग्राउंड ही रहता है। और 2 टाइप के माइसीडियम यहाँ पे होते हैं, प्राइमरी माइसीडियम और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम आपको पता है क्योंकि ये बेसिडियो माइकोटीना का मेंबर है। तो हमेशा से याद रखिएगा, प्राइमरी माइसीलियम आपका जब बेसिडियो स्पोर जो होता है वो ग्रो करते हैं तो प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। ओके, अब ये जो प्राइमरी माइसीलियम बनता है जब ये बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो प्राइमरी माइसीलियम बनाता है और ये सेप्टेट होता है और मोनोकैरियोटिक होता है। तो 2 जो अलग अलग स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलियम आपस में फ्यूज करते हैं तो वो बनाते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। ओके, और यहाँ पे एक खास बात है कि जैसे कि बेसिडियोमाइसीट्स में हमने 2 मेंबर पढ़े थे, यूस्टिलागो और पक्सिनिया, और बेसिडियोमाइसीट्स का ही फीचर है कि यहाँ पे डॉलीपोर सेप्टम पाए जाते हैं, लेकिन यूस्टिलागो और पक्सिनिया में ये दोनों मेंबर्स में डॉलीपोर सेप्टम एब्सेंट था, वहाँ पे सिंपल पोर्स ही पाए जाते हैं। पर एगरिकस जो है एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है बेसिडियोमाइसीट्स का, जहाँ पे डॉलीपोर सेप्टम मिलते हैं जो कि मोस्ट कॉमन फीचर है बेसिडियोमाइसीट्स का। और जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो बायन्यूक्लिएट होता है। सेकेंडरी माइसीलियम जो है ये राइजोमॉर्फ स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये याद रखिएगा। अब ये तो बात हुई वेजिटेटिव माइसीलियम का। अब मैच्योरिटी जब होती है हाइफा का तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज में। फ्रूटिंग बॉडीज कब बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनते हैं। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं ये सर्कुलर रिंग में बनते हैं। स्टार्टिंग में रिंग छोटा होता है और जैसे जैसे हम सक्सेसिव क्रॉप्स लेते जाते हैं ये जो होता है रिंग जो होता है लार्जर होता जाता है और इन्हें ही फेरी रिंग्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा फंगस फेरी रिंग्स शो करता है तो वो कौन सा होगा? आपका एगरिकस। फ्रूटिंग बॉडी का नाम जैसे आपने देखा था इसको माइसीट्स में इसको कार्प होता है, वैसे ही यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी जो बनता है वो बेसिडियो कार्प होता है। यूसिलागो और पक्सिनिया में फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनते थे,
ठीक। और जो इनका प्रेसिडियोकार्प होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है स्टाइप और पाइलियस में। ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर आपका पाइलियस कहलाता है और नीचे जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइप कहलाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो तीन मेथड नोन है इसमें रिप्रोडक्शन के। द फर्स्ट वन इज विजिटेटिव, वेयर द फ्रैगमेंट्स ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैन ग्रो इनटू न्यू थैलस। तो जब भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फ्रैगमेंटेशन होता है तो जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम फ्रैगमेंट्स हैं वो नया थैलस बना देते हैं एगारिकस का। और जो सेकेंड पे आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लेमाइडोस्पोर कैन बी डेवलप्ड एट द टर्मिनल एंड्स और दे कैन बी इंटरकैलरी इन पोजिशन। तो जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लेमाइडोस्पोर जो होता है ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी जब फेवरेबल कंडीशन आता है उसमें ग्रो करके नया थैलस बनाते हैं एगारिकस का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, अगर बात करें हम कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही थैलस या एक ही थैलस के सेक्स ऑर्गन जो है कंपैटिबल होते हैं या अलग अलग, तो आप देखेंगे जो मेजॉरिटी होता है वो हेटरोथैलिक होते हैं। दैट मीन्स दो अलग अलग थैलस के माइसीलियम चाहिए तभी वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन जो एगारिकस बायोस्पोरस है, कॉमन फंगस है ये एगारिकस का जीनस का, वो होमोथैलिक होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं फॉर्म होते हैं। और ये जो है एक प्रूफ है कि जो हमने पढ़ा है कि फंजाई में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीजनरेसी देखने को मिलता है लोअर टू हायर जाने पे। तो हम फंगस पढ़ रहे हैं, हायर फंगस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप नहीं होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कैसे होता है, यहाँ पे जो दो डिफरेंट थैलस के जो हाइफी रहेंगे प्राइमरी माइसीलियम होता है अलग अलग स्ट्रेन के, वो आपस में फ्यूज करेंगे। सोमेटोगैमी होती है, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद सेकेंडरी माइसीलियम आपका डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे क्लैंप कनेक्शंस भी बनते हैं जो एक यूनिक फीचर है बेसिडियोमाइसीट्स का। जैसे आपने एस्कोमाइसीट्स में देखा था कि वहाँ पे क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है क्लैंप कनेक्शन बनते हैं। क्लैंप कनेक्शन कुछ नहीं है, जैसे दो हाइफे जब आपस में फ्यूज करते हैं तो एक जो सेप्टा फॉर्म होता है, एक जो सेल होता है वहाँ पे आप दो न्यूक्लियाई आ गए, एक प्लस स्ट्रेन के एक माइनस स्ट्रेन के। अब यहाँ पे दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई हो गए एक सेल के अंदर, वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं और ऐसे डिवाइड करते हैं कि दो जो ऊपर वाले सेल का वो रहता है दोनों न्यूक्लियाई जो दो एक्स्ट्रा बने, ठीक है, एक तो उसी में रह जाता है, ठीक, और दूसरा जो है दूसरे में सेप्टा ऐसे फॉर्म होता है क्योंकि अब नया बनने जा रहा है। तो सेप्टेशन ऐसे होता है कि आपका एक जो प्लस स्ट्रेन का है वो उसी सेल में रह जाता है और जो माइनस स्ट्रेन का है वो भी जो होता है दूसरे सेल में चला जाता है और एक क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, उससे डाइकैरियोटिक हाइफा जो है ग्रो करता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है क्लैंप कनेक्शन होता है, ठीक। अब जो आपका ये जो सेकेंडरी माइसीलियम हुआ ऐसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिडियोकार्प में, जो कि आपका फ्रूटिंग बॉडी है यहाँ पे। और फिर वहाँ पे बेसिडियम बनता है जहाँ पे बनने होते हैं बेसिडियोस्पोर, उसी में जो होता है दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं आपस में, जिसको हम कैरियोगेमी बोलते हैं। अब जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपका हो गया उसमें होता है बेसिडियम के अंदर मियोसिस, मियोसिस में चार हैप्लॉयड बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे और ये जो होता है बेसिडियम के अंदर नहीं बनेंगे, ये एक उसी में बल्ज आउट होगा बेसिडियम से, नया सेल कह लीजिए, और उसमें हाँ उसमें ये वो जो होते हैं नया सेल बना वो बेसिडियोस्पोर रहते हैं, उसमें यही चार हैप्लॉयड जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मूव कर जाते हैं एक एक में। ऐसे ही एक बेसिडियम में आप देखेंगे चार बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं और जो दोनों को कनेक्टिंग वो लिंक होता है उसको, उस स्ट्रक्चर को, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टिग्माटा बोलते हैं। और एक खास बात यहाँ ये है कि जो बेसिडियोस्पोर और स्टिग्माटा है इनके जंक्शन में भी हाइलर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट होता है। ये भी पूछा जाता है कि हाइलर अपेंडिक्स किस फंगस में आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका एगारिकस, एगारिकस को आप याद रखिएगा, फेरी रिंग्स, डॉलीपोर सेप्टम, राइजोमॉफ और क्लैम्प कनेक्शन और हाइलर अपेंडिक्स जो टर्म है इससे रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका एगारिकस। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ
जो है ड्यूटेरोमाइसीट्स के मेंबर के साथ। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।